तो आ गए मेरे प्यारे मजनू भाई। तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने महबूबा से मिलो दूर रहते हो, उसके बावजूद जो है आप उसका व्हाट्सअप अपने फोन पर देखना चाहते हो व्हाट्सअप वेब के जरिए। क्या ये पॉसिबल है? अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप जो है दूर रहकर किस तरह से व्हाट्सअप वेब यूज कर सकते हो किसी और का अपने फोन पर 101% रियल ट्रिक के साथ गाइज। तो देखो यार, व्हाट्सअप वेब में क्या होता है, आप ऐसा फोन से फोन को स्कैन करते हो व्हाट्सअप से, फिर दूसरे व्हाट्सअप में व्हाट्सअप आ जाता है स्कैन करने के बाद क्यू आर कोड के जरिए। लेकिन गाइज कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप दूर रहकर किसी और का व्हाट्सअप किस तरह से यूज करते हो। गाइज वो वीडियो बनाने के बाद कुछ कुछ भाइयों के मुझे ऐसे कमेंट आने लगे कि भाई नहीं हो रहा है, मतलब दूर से स्कैन नहीं हो रहा है। तो मैं इन्हीं कमेंट्स को रीड करते हुए ये वीडियो बनाई। भाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है स्कैन, दूर रहकर स्कैन क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी गलती कर देते हैं हम जिसकी वजह से जो है हमारा व्हाट्सअप वेब दूर रहकर स्कैन नहीं हो पाता। तो इसको समझने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि दूर रहकर किस तरह से स्कैन करना है। हाँ, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। एक नजर से देखा जाए तो उस वीडियो का पार्ट टू है ये, पार्ट वन नहीं देखोगे तो भाई पार्ट टू कहाँ से ही समझेगा। तो देखो यार, आप भी चाहते हो किसी और का व्हाट्सअप अपने फोन पर देखना, तो इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट की और 3 फोन की जरूरत पड़ेगी। अब भाई 3 फोन, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, भाई आप वीडियो देखो या ना देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है? आपके पास मतलब आपके पास एक फोन रहेगा और उसके पास 2 फोन रहेगी। किसके पास? जिसका व्हाट्सएप आप अपने फोन पर देखना चाहते हो उसके पास 2 फोन रहने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है ये ट्रिक वर्क करेगी। तो गाइज मैंने एक एप्लीकेशन बताया था व्हाट्सएप वेब का, उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो उसको तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर तो गाइज मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बताया था जिसमें जो है आपको परमानेंट लॉग इन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब वो जो है लॉग आउट नहीं होता जल्दी व्हाट्सएप वेब आपने स्कैन कर रखा है। तो गाइज वो एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि भाई ये किस तरह की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट लॉगिन और आपकी मदद। तो गाइस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, देन आपको वो क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन है उसका स्क्रीनशॉट कलेक्ट कर लेना है अपने फोन में, और जैसे ही आपने उसका स्क्रीनशॉट कलेक्ट किया वैसे उसको जो है अपने उस पर्सन के पास भेजना है जिसका व्हाट्सएप आप अपने फोन पर देखना चाहते हो। उसके पास 2 फोन रहेगा कहा था मैंने, एक फोन पर स्क्रीनशॉट जाएगा जो आपने भेजा है और दूसरा उसका व्हाट्सएप वाला क्यूआर कोड इस तरह से वो स्कैन करेगा, मतलब जो क्यूआर कोड तो आपका है भाई, फोन कोई भी हो तो ये क्यूआर कोड स्कैन करते हुए जो व्हाट्सएप है इस पर्सन का सीधा आपके फोन में आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे तो और आसान भाषा में बताता हूँ, चलिए। तो देखो यार, ये जो है आपका फोन है, ठीक है, ये आपका फोन हो गया, आप जो है उसका व्हाट्सएप अपने फोन पर देखना चाहते हो, ये है वो जिसका व्हाट्सएप आप अपने फोन पर देखना चाहते हो क्यूआर कोड के जरिए। तो भाई अब ये पॉसिबल कैसे होगा? तो देखिए गाइस, मैंने जैसा कि वीडियो में कहा था कि आपके पास जो है 3 फोन होने चाहिए, एक फोन आपके पास और 2 फोन उस पर्सन के पास जिसका व्हाट्सअप आप अपने फोन पर यूज करना चाहते हो। तो भाई ऐसा जरूरी नहीं उसका पर्सनली फोन हो, चाहे तो किसका भी हो सकता है, उसके फ्रेंड का, उसके भाई का, उसके चाचा का, किसी का भी जो है वो फोन हो सकता है, बस ध्यान रहे सामने वाले के पास 2 फोन होना जरूरी है। इतना आपने क्लियर कर लिया। अब 2 फोन, ठीक है, ये मेरा फोन, ये उसका फोन, और उसके पास में जो एक्स्ट्रा फोन है वो वाला फोन। तो अब मैं क्या करूँगा गाइज, ये जो है मैं अपने फोन में जो एप्लीकेशन मैंने कहा था व्हाट्सएप वेब का, ठीक है, वो एप्लीकेशन चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर से लिंक ले सकते हो। तो एप्लीकेशन आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया, उसका जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, ये SS लिखा हूँ मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया गाइज आपने। अब इस स्क्रीनशॉट को क्या करना है, 1 मिनट के अंदर आपको इस वाले फ़ोन में भेज देना है, मतलब उसके पास जो एक्स्ट्रा का फ़ोन है उसके फ़ोन में वहाँ पर जो है व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी भी सोशल ऐप के जरिए आपको सेंड कर देना है। सेंड कर दिया आपने अपनी उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप वेब क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद गाइज ये क्या करेगा, इस फोन से अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को व्हाट्सएप ओपन करके क्यूआर कोड के जरिए स्कैन कर लेगा। तो गाइस स्कैन कर लिया इसने, इसको स्कैन कर लिया, तो ये जो क्यूआर कोड है भाई ये आपका था। तो भाई जैसे ही स्कैन किया ये व्हाट्सअप जो है सारा का सारा आपके फ़ोन में आ जाएगा, समझ रहे हो गाइस? ध्यान से देखिए तभी जो है आप समझ पाओगे। तो ये व्हाट्सअप जो है आपके फ़ोन में आ जाएगा क्यूआर कोड के जरिए। तो फिर बाद में आपका क्यूआर कोड व्हाट्सअप वेरीफाई हो जाने के बाद, लॉगिन हो जाने के बाद जो है आप यहाँ से जो है उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है।
तो गैस इतना क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो फिर से देखिए गैस और ध्यान से देखिए, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान प्रोसेस है, बस समझने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। बस स्क्रीनशॉट का और व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन का कुछ इन तीनों चीज़ों का राउंड फिगर करके जो है आप व्हाट्सएप वेब यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आई होप आप जो है समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, और आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से जो है किसी और का व्हाट्सएप अपने फोन पर यूज कर सकते हो एक मिनट के अंदर। भाई एक मिनट से ज्यादा देर हो जाती है तो भाई आपका ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो भाई मेरी यही जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। भाई मेरे व्हाट्सएप से रिलेटेड, व्हाट्सएप वेब से रिलेटेड किसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।